इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणी गंज अनुमंडलीय मुख्यालय का है, जहां घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया और मशीन सहित हथियार कारतूस बरामद किए गए। एसपी शेषव यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जदिया थाना अंतर्गत बघेली पंचायत के मोहर्रमपुर वार्ड नंबर 15 स्थित अरसे आलम उर्फ फुदन के घर के नीचे तहखाने में घर में अवैध तरीके से हथियार बनाए जा रहे थे। सूचना मिलने पर टीम गठित की गई और पुलिस बल के द्वारा गहन छापेमारी की गई, जिसमें हथियार बनाने वाली कई मशीन, कई कारतूस सहित कई निर्मित और अर्ध निर्मित हथियार बरामद किए गए हैं, लेकिन एक भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। सोचने वाली बात तो यह है कि पुलिस की छापेमारी होने से पूर्व ही आरोपी कैसे परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। क्या आरोपी को पुलिस छापेमारी की भनक लग गई थी? आखिर आरोपी को भनक कैसे लगी, ये जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि पुलिस द्वारा आरोपी को जल्द पकड़ने की प्रक्रिया जारी है। क्योंकि जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहर्रमपुर गांव में वार्ड नंबर 15 के निवासी अरसे आलम, उनके आवासीय घर में एक मिनी गन फैक्ट्री का कार्य चल रहा है और इसका पहले सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत एक रेडिंग टीम का गठित किया गया। पुलिस निरीक्षक त्रिवेणीगंज, SHO जदिया, SHO त्रिवेणीगंज छातापुर, SDPO त्रिवेणीगंज, ये सब मिलके वहाँ पर रेड किए और छापामारी के क्रम में वहाँ पर देसी लोडेड पिस्तौल एक मिला, दो नाली बंदूक एक मिला, अर्ध निर्मित पिस्तौल 20 मिला। इसके अलावा 7.65 mm का कारतूस 7, 12 बोर का कारतूस 11, लेथ मशीन 1, मिलिंग मशीन 1, ड्रिल मशीन 2, विद्युत का मोटर 5, बेस 5। इसके अलावा अवैध हथियार बनाने के कई उपक्रम और सामग्री बरामद हुए हैं। सर, कितने दिन से नेटवर्क चल रहा था और कितना बड़ा दौरा धंधा था? इसका अनुसंधान किया जा रहा है। कांड का जो जानकारी मिल रही है कि 6 महीने से यहाँ पर यह कार्य चल रहा था और यहाँ पर जो अवैध है, इसका जो मिनी गन फैक्ट्री है, यहीं से ये इसको बनाता था और इसको यहीं से बेचता था। कहा यह भी जा रहा है सर, वो घर के अंदर तहखाने में बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कर चुका। हाँ, जो घटना स्थल है, जो इनके आवासीय परिसर के पीछे में बाउंड्री से सटा हुआ एक टिन और ईंटा का बना हुआ शेड नुमा मकान है, उसी के बेसमेंट में, बेसमेंट यानी कि धरती के नीचे एक और कमरा बना हुआ था जिसे सीढ़ी लगा के जाने का रास्ता था, उसी में ये सारा सामान बनता था। वहीं पर सारा उपक्रम था, वहाँ मशीन था, लेथ मशीन और जितने भी इत्यादि सामान थे सब उसी में थे, निर्माण भी उसी में होता था और ऊपर का कमरा जो था उसमें अब चौकी इत्यादि रहने का व्यवस्था था। अंतर्राष्ट्रीय लिंक है, अभी अनुसंधान किया जा रहा है इसका, कहाँ से ये इसका रॉ मटेरियल आता था, कहाँ इसका बिक्री होता था, कौन लोग इसके कारीगर थे, अभी सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। गिरफ्तारी हो सकी है सर? इसमें हम लोग अभी ये छापेमारी करना है, शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।